अस्सलाम वालेकुम। सो के उठा ना, मैंने मुंह धोया ना हाथ धोया, कुछ भी नहीं किया। मैं सबसे पहले अपने चूजों को, बतखों को दाना डालूं, क्योंकि मैं उठाऊँ लेट, 11 बजे उठा। खैर, मैंने इनको रात से 12 बजे इतना तुन के खिला के तो इनको मन किया था। अभी इनको खाना खिलाता हूँ, फिर अपना कुछ करता हूँ। अभी आटा सा करण, जो पतला आटा होता है ना, वो मेरे हाथों पे चिपक जाता है, फिर मुझे बड़ी उलझन होती है। लें जी, पहला परागा रेडी है जी इनके लिए। लो आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। ये बतखे ना इधर से दाना खाती हैं थोड़ा सा, फिर पानी पी के आती हैं। पर ये चूजे हैं ना, ये इधर ही फिरते हैं, ये नहीं पानी की तरफ जाते। बतखों को पानी से बहुत प्यार होता है। शाबाश पुत्र, वापस आ जाओ, मैं थक गया हुआ, मैं भी कुछ खाना था ले जाके। वापस आओ, अरे यार मस्तियाँ कर लो यार, आजकल के जानवर भी मस्ती बाज ने। चूजों और बतखों को मैंने डाल दिया दाना, ठीक है, अब मेरी अपनी बारी है दाना खाने की। बेचारे धूप सेक रहे हैं, मेरा दिल तो नहीं कर रहा इनको बंद करने का, पर क्या करूँ, इनको ऊपर छोड़ कर जाऊँगा तो बिल्ली इनका लंच डिनर सब कुछ कर जाएगी, तो लिहाजा मजबूरी इनको, जैसे ये परिंदे बंद है ना, तो मुझे इनको भी बंद करना पड़ेगा। चलो जवानो, तो टाइम गया, चलो उठो शाबा, चलो अंदर अंदर चलो। नहीं जी, नाश्ते के लिए अंडे चाहिए, अंडे लेने जा रहे हैं। मताहिर, आपने कुछ खाना है? मेरा खाना है, और कह रहे मुझे नगद दो, नगद का ये आशिक है, खाता पीता कम नहीं है। ओ यार, ये दुकाना तो बंद रहे। ताहिर के लिए 4 केले यार। ये जी बलोरी बाटे जी, पूरा डेस्क का इनको जानता है बलोरी बाट के नाम से, है ना? कहता हाँ। वे मुताहिर, वे ले जी, हम जाने लगे हैं बाहर बाजार। मेरा भाई मना कहता कि वीडियो ना बनाओ। मैं कह यार थोड़ी बहुत बना लेनी चाहिए यार, कुछ नहीं होता, ये कौन सा गैर शरी काम है, ये एक बच्चे का हाथ है। हेलो करो। हेलो पुत्र साहब, भी नहीं पता नहीं लगा था। ये जरा बच्चा देनी तौर पे ठीक नहीं, इसकी बातों का गुस्सा नहीं करना। आप हेलो करो प्यारा सा। हाय। इस बच्चे का देनी तौर ठीक है। हम अब जाने लगे हैं जी बाजार, हल्की फुल्की शॉपिंग करने। काला बैग भाई ने पहन लिया, अल्लाह खैर ही करेगा, जी डस्के की खैर देंगे। चलो जी, उनका कवर लेने, काले बैग वाला। इसमें चढ़ाओ गया वाला शीशे का कवर, अच्छी क्वालिटी का, ग्लास अच्छा हो, गुड गुड हो गया जी। ले जी, भाई आया था अपने काम। एज ए पाकिस्तान मेरा फर्ज बनता है कि मैं ना भाई घुमाटू पा के अपने काम वास्ते लेंद है। उसने यहाँ से लेना कुछ नहीं, मैं नहीं लेना जो लेना है। मिशन मुकम्मल नाकाम हो गया, मेरे साइज में वहाँ से जींद नहीं मिली, तो इन बच्चों का मिशन कामयाब हो गया। ओए रो क्यों रहे हैं? ये बच्चा बताया था क्या, देनी तो आज नहीं, ऐसा रोता रहता है। ये बच्चे का मिशन कामयाब हो गया, बर्फी ने खानी सी, डस्का की सब तो मशहूर दुकान तो बर्फी है। छोटे भरा ने सुला मारे, पर छोटा भरा कहता नहीं मैं नहीं खानी, मैं तो रोना है। आशीर क्यों मुंह बनाया हुआ है? ऐ नहीं यार, सीखा है अपने उस्ताद को मिल रहे जी, हसन भाई, हसन टेलर। चलिए जी, ओके जी। ये बच्चा रोता ही रहता है, अभी भी इसकी रोने वाली शक्ल है जी। अभी घर वापस आए, आईफोन को प्रोटेक्शन वगैरह लगवाई, आगे पीछे जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन लगती थी ना, इटली वाले भाई ने लगवा दी कि बाहर जी, सारी बात है, फिर हर बंदा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होता है। अच्छी बात है, प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए, ये सब के लिए अच्छी होती है। अब हमारा इरादा है कि पहले हम गए थे, मुझे जीन्स पूरी नहीं आई, तो बच्चे से था वो तंग कर रहे थे। अभी एक बच्चा दिखाया था ना, जो बार बार गले हुए टमाटर जैसा मुंह बना रहा था, वो ऐसे ही होता उसका चेहरा हटे। अब उनको घर छोड़ दिया, अब हम दोबारा जाएंगे। जाएंगे क्या, मैं भाई को घेर के लेके जा रहा हूँ बाजार, चलेंगे यार बाजार, नई नई दुकानें बनी हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। और ऐसे पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज बनता है ना, जो भाई बाहर से आए उसको टीका टूका लगाना, ठीक है ना? ओके। मिशन 1 सक्सेसफुल, मिशन 2 ऑन द वे। हाँ 12 दिखाओ जो, बिल्कुल पैसे ना देने, जो कह रहे हो वही दिखाओ। पान वाला मिशन कामयाब है, अब कपड़ों वाला। हाँ हाँ जी, ये 2 पेंटे, ये 4 पेंटों वाले ट्राउजर हैं। हाँ जी, पैसे पैसे कुटो ना। हाँ जी बिल्कुल। वापिस आ गए, बाइक को मैंने टीका लगा दिया, 8-10 हज़ार का पाकिस्तानी होने का फ़र्ज अदा कर दिया। ये हैं वो ट्राउजर, साथ में 2 पैंटें भी हैं, एक उसकी पैंट एक मेरी पैंट है।
जैसा कि पता है कि मुझे ना साइज का बड़ा इशू आता है, तो अभी मैं इनको ना एक एक करके पहन के देखूंगा। दुकान वाला क्योंकि जानने वाला उसने बोला कि पाजी जेरी चीज तंग हुई हो आके वापस करके पैसे ले लेना या चीज दे बदले चीज। अभी पहन के देखता हूँ कौन सी तंग है, कौन सी खुली है, कौन सी पूरी पूरी है। खैर खुली तो कोई भी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस है अपने आप इतना। जी मैंने सारे ट्रोजर पहन के चेक कर लिए, गैर हतमी और सरकारी नतीजा भी आ गया। नतीजा ये आया कि ये वाला ट्रोजर ना ये जाएगा वापस, और जो बाकी वाले ट्रोजर है ना ये तीनों ये मुझे पूरे हैं, पूरे पूरे, पर ये कंफर्टेबल बहुत है, स्ट्रेचिंग है, खुल जाती है टांगे वाला ना टाइट है, ये मुझे वापस करना पड़ेगा। इसके मतलब ये तो मैं पैसे लेकर आऊँगा या इसके बदले कोई और ट्रोजर ले आऊँगा, कुछ तो करना पड़ेगा। भाई तो भी कह रहा था कि कपड़े वापस करो, मैं कह नहीं यार थक गया यार, चाय पी लिए, चाय पी के फिर कुछ और मैं कर सकता हूँ। अब्बा जी हिसाब ले रहे हैं भाई से कि भाई की पैसे खर्च किए हैं। अब्बा जी तुसी ना एक डायरी बनाओ तो हिसाब लिखो कितने पैसे किन्ने ला रहे हैं। और अब्बा जी उसको गुस्से भी हो रहे कि चाचू को नहीं मिलकर आए, रास्ते में चाची की दुकान थी। अब्बा जी मेरे देसी बंदे फुल कैलकुलेशन कन्वर्जन करते हैं जी, उतो की चीज इतने की किन्नी पै रही है। अब्बा जी जरा इकोनॉमी नहीं ना समझ तो समझावा मैं किसी ने इकोनॉमी की होगी। ये घर से तो हम निकले थे ट्रोजर चेंज कराने, पर ट्रोजर तो घर ही भूल आए हैं। साथ में ये दो बच्चे लाए थे, इनकी करानी थी कटिंग, कटिंग वाली नमाज पढ़ने गया है तो इनकी शर्ट का नाप लिया जा रहा है। और जी मिल गया जी शॉप पर, अब फिर वापस चलो। जी ट्राउजर तो मैं घर से ले आया हूँ, पर ये कभी आप देखेंगे वो दुकान नहीं खुली, बंदा आएगा दुकान खुलेगी तो उनको कटिंग के लिए मैं दिखाऊंगा। जी ये दुकान है जहाँ से मेरे भाई ने ना दर्जियों का काम सीखा था इटली जाने से पहले। अब यहाँ से ना ये शर्ट का कपड़ा इटली से ही आया है, तो इन बच्चों की शर्टें बनवानी है। भाई जी बंदा तो नहीं आया, अब हम जा रहे हैं बाजार से वापस कर। आती भाई ए कितना टैट है, बाकी ठीक ने गुजारे वाले ने, और इस तो वड्डा ऐसा इतने दे दो ने। लेकिन लूर लूर फिरने के बाद अब हम घर आ गए हैं। कटिंग बच्चों के अब कल करवाएंगे, दुकान बंद थी, वो वापसी पे भी हमें खुली नज़र नहीं आई। और रही बात ट्रोज़र की, तो ट्रोज़र मुझे इसने अल्टरनेटिव दे दिया है, ठीक हो गया ना। तो कारोबार ऐसे ही होते हैं कि आप चीज़ वापस कर दो, और कारोबार तो नहीं ऐसे होते, वो फिर चीज़ के बदले चीज़ देते हैं, अल्टरनेटिव देते हैं, पैसे नेवर लव इज़ मनी, मनी इज़ लव। ले जी शर्ट मैंने बदल ली है, जिम जाना है, हाफ बाजू में जाऊँगा, ज़रा बंदा ईजी रहता है। जी अंडे रेडी हैं, अब फिलहाल मैं दो अंडे खाऊंगा, बाकी के अंडे मैं आगे खाऊंगा। बंदा ही नहीं कभी जिम आप पहुंचा है, शुक्र है आज जिम खुला हुआ है। कल मेरे साथ क्या हुआ जी, मैं ना घर से दम वाला पानी पी के निकला है, और आके देखा तो जिम बंद था, तो मेरे लिए तो बड़ा मसला बना है जी। मैं तो सारी रात जागता रहा हूं, कभी लाइटें बंद की हैं, कभी पंखे बंद की हैं, कभी वॉक की है, बड़ा हैवी असर आता है। ये मेरा दोस्त है, ये असल मेरी वहाँ ना वीडियो बनाता है जिम में, तो मेरे पास स्टैंड नहीं होता यहाँ जिम में, और मुझे चाका भी आता है, तो मुझे कहता भाई ने पहले मेरी वीडियो बनाओ, हर दफ़ा अपनी वीडियो बनवा के निकल जाते हो। आज बंदा नेक ने बाजुओं की और कमर की मजबूती की वर्जिश अदा की है। पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं ना आपको ज़रा थोड़ा जो मोल करके जिम में ना दिखाऊं, पर ये कि वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग की है व्लॉग की, मगर मेरी आवाज़ नहीं आती थी, म्यूज़िक की बड़ी आवाज़ थी, साथ बाहर रोड था तो रोड से भी गैं गैं पी पी पाँ पाँ की आवाज़ें आ रही थी। तो जी वर्कआउट मुकम्मल करने के बाद बंदा ने घर जा रहा है, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि घर मछली आई हुई है पकी हुई। जी मैं जिम करके घर आया हूँ, घर आके मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे फिश चल रही है। यशियाँ भाजी वड्डा भरा यूरो आ गया लेके यूरोप से, फुल टाइम यशियाँ चेक करो। आय हाय 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 जी सबको पता है जितने भी मेरे जानने वाले हैं कि जो मैं खुद खाता हूँ मैं इनको खिलाता हूँ, मैं अपने मुँह से निकाल के इनके मुँह में डालता हूँ। चलो खुद मछली मछली खाओ मछली, चलो शाबाश फिश खाओ मौज करो। माशाल्लाह अभी मैं आया हूँ अनस भाई के पास, ये हमारे अनस भाई हैं, ये माशाल्लाह ईरान इराक ज्यारते करने गए थे, अल्लाह इनका सफ़र मुबारक रखा है। तो हमारे लिए लाए तो कुछ नहीं, पर मैं ज़बरदस्ती इनसे बोला कि भाई हमें भी कुछ लाए, हमें भी वहाँ की कोई ज़्यारत दें। तो ये बहुत प्यारे प्यारे नग लाए हैं ईरान से, माशाल्लाह इनसे मैं कोई पसंद करूँगा और ले लूँगा जी। ओके ना मियाँ साहब इजाज़त है थोड़ी। नहीं नहीं ये वाला मुझे पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा असल में थोड़ा दिल बेईमान हो गया, तो मैंने एक और पसंद कर लिया। तो प्यारे मियाँ साहब कहते जी सब कुछ तोड़े से हाजिर है, बस उधार नहीं मांगना मेरे को। मैं कहीं उधार नहीं चाहिए, बस आई मैंने दो बना। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, गुड हो गया।